हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब तो अब गाइस आज जो हम लोग नावल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द मैस्टर एंड मार्ग्रीटा जिससे कि एक रशियन राइटर मिखेल बुल्गकोव के द्वारा इसे लिखा गया है तो अब देखिए इस नावल को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आगे चल आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये नावल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए सो so सुनाओ इस टॉपिक का सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इससे ईयर नाइनटीन से लेकर इसे ईयर 1940 के बीच लिखा गया यानी मिखाइल बुलगोकोव को इसे लिखने में ऑलमोस्ट 10 साल लग गए और फिर ईयर 1966 में जाकर यानी मिखाइल बुलगोकोव के डेथ के कई सालों बाद ईयर 1966 में इसे एक लिटरेरी मैगजीन जिसका नाम मॉस्कोवा था तो उसमें इसे पहली बार एक सीरियल के फॉर्म में पब्लिश किया गया फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह नोवेल लव एंड होप गुड एंड ईवल और सोवियत सोसाइटी या रशियन सोसाइटी के एब्सर्डिटी के थीम से मेनली डील करता है और इसके साथ ही अगर हम बात करें इस वर्क के जॉनर की तो ये कंप्लीट वर्क कई सारे डिफरेंट जॉनर के अंदर या कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करता है जैसे कि ये वर्क एक तो सटायर भी है और फिर ये एक सुपर फिक्शन भी है और फिर इसके साथ ही ये एक रोमांस भी है तो ये सटायर तो इसलिए है क्योंकि इस वर्क के थ्रू राइटर मिखेल बुलगोकॉफ अपने टाइम पीरियड के गवर्नमेंट जोसेफ स्टालिन को वो उनके कलेक्टिव लीडरशिप के लिए और उनके डिक्टेटरशिप के लिए इसमें क्रिटिसाइज करते हैं इसीलिए ये एक सटायर है फिर ये एक सुपर फ़िक्शन इसलिए है क्योंकि इस नावल में राइटर ने बहुत सारे सुपर एलिमेंट्स और मैजिक को रियलिटी के साथ मिक्स कर दिया है और लास्टली ये एक रोमांस इसलिए है क्योंकि इस नावल में हमें मार्गरीटा और मास्टर नाम के दो कैरेक्टर का एक दूसरे के लिए ट्रू लव देखने को मिलता है और अब फाइनली रही बात इस नावल के थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्ट की तो इस एंटायर नावल को इसे दो अलग अलग जगहों के दो अलग अलग टाइम पीरियड्स में से सेट किया गया है यानी एक तो इसे नाइनटीन के टाइम पीरियड के मॉस्को सिटी में इसे सेट किया गया है जो कि सोवियत यूनियन या रशिया में है और दूसरा इसे 30 एडी के अराउंड यानी आज से 2000 साल पहले के जेरूशलम सिटी में इसे सेट किया गया है जब जीसस क्राइस्ट को एग्जीक्यूट किया गया था तब यानी इस पूरे नावल को डिस्कस करने के दौरान इसका जो टाइम फ्रेम है वो बार बार पास और प्रेजेंट में शिफ्ट करता रहता है जस्ट लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है तो आप उसे ऊपर आई बटन पर टैप करके भी देख सकते हैं और इन सब के अलावा इस पूरे नावल को इसे दो हिस्सों में या दो बुक्स में डिवाइड किया गया है और प्लस इसमें हमें बहुत से कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें से एक आध दो के नाम काफ़ी सेम भी हैं इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही इस चीज़ से सावधान कर देना चाहता हूँ ताकि आगे चल कर, आप लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ ना हो जाए तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नावल से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नावल है द मैस्टर मार्गरीटा इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके फर्स्ट बुक की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि 1930s का दौर चल रहा होता है और मॉस्को शहर के एक पौंड या तालाब के पास बैठकर दो राइटर्स जिनमें से एक का नाम होता है मिखेल बर्लीओस जो कि मॉस्को एसोसिएशन ऑफ़ राइटर्स के चेयरमैन होते हैं और दूसरे राइटर का नाम होता है इवान पोनेरेफ तो ये दोनों राइटर्स आपस में बैठ कर वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस दूसरे राइटर यानी इवान पोनेरेफ ने जो पोएम लिखी है जो कि लॉर्ड जीजस के ऊपर बेस्ड है तो मिखेल बर्लियोस का ये कहना था कि इवान्स ने अपने पोएम में उन लॉर्ड जीसस को कुछ ज्यादा ही रियल शो करने की कोशिश की है जबकि का ये मानना था या ये कहना था कि असल में लॉर्ड जीजस में कभी थे ही नहीं वो सब बस एक कहानियाँ थी तो जब बेलरियोस को इस बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे जीजस हकीकत में कभी थे ही नहीं तो तभी वहां पर एक अजीब से स्ट्रेंज प्रोफेसर जो कि अपना नाम प्रोफेसर वोलन बताते हैं तो वो सडनली वहां पर आकर वो उन लोगों से ये कहने लगते हैं कि देखिए असल में लॉर्ड जीजस सचमुच में वहां पर उस समय मौजूद थे जब रोमन गवर्नर पॉन्शियस पायलट ने लॉर्ड जीजस को एग्जीक्यूट करने का या उन्हें क्रूसीफाई करने का हुक्म जारी किया था और इतना ही नहीं वो अनजान से प्रोफेसर इस चीज के ऊपर भी एक भविष्यवाणी करते हैं कि उनमें से वो जो पहला राइटर होता है यानी मिखेल बर्लियोस तो उसकी उसी पर्टिकुलर दिन एक एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी तो अब जब बेलरियोस इन बातों को सुनता है तो उसे प्रोफेसर की भविष्यवाणी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है इसीलिए फिर प्रोफेसर वोलन क्या करते हैं कि वो उन लोगों को वो उन्हें लॉर्ड जीजस की एक कहानी सुनाने लगते हैं कि आखिर किन हालातों में या किन परिस्थितियों में लॉर्ड जीजस को क्रूसीफाई किया गया था तो प्रोफेसर वोलन उन लोगों को ये बताते हैं कि कैसे दो साल पहले जब पॉन्शस पायलेट रोम के गवर्नर थे तो उस दौरान कुछ लोगों ने लॉर्ड जीजस के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया था कि लॉर्ड जीजस लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और प्लस वो रोमन एम्पर टाइबेरियस को उनके राजगर्दी से हटाना चाहते हैं तो अब गवर्नर पॉन्शियस पायलट तो इन झूठी बातों को और इन झूठे आरोपों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे बट जब जूडस नाम का एक व्यक्ति लॉर्ड जीसस के खिलाफ झूठी गवाही दे देता है तो तब गवर्नर पॉन्शियस पायलट को उन्हें बाकी और हायर प्रीस्ट के प्रेशर में आकर उन्हें लॉर्ड जीजस के क्रूसिफिक्शन का डिसीजन सुनाना पड़ता है सोना बैक इन मॉस्को इस कहानी के ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर वोलन की जो भविष्यवाणी थी कि उसी पर्टिकुलर दिन मिखेल बर्लियोस की डेथ हो जाएगी तो ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो जाती है और मिखेल बर्लियोस की थोड़े ही समय बाद उसकी एक ट्रैम बस के नीचे फिसल कर गिर जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है तब तो इन हॉरिफाइंग इवेंट्स को या दृश्य को देखकर इवान बिल्कुल ही शौक हो जाता है और वो फिर ये डिसाइड करता है कि वो उस अजीब से प्रोफेसर प्रोफेसर वोलन का पीछा करेगा और ये पता लगाएगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है बट जब इवान पोनरेफ प्रोफेसर वोलैंड और उनके बाकी के साथियों का पीछा करता है तो अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें मिस कर देता है या वो उन्हें खो देता है और फिर लास्ट में जाकर वो एक ऐसे बिल्डिंग में जा पहुंचता है जहां पर इवान पोनरेफ के बाकी के और फ्रेंड्स और फेलो राइटर्स उस बिल्डिंग में वहां पर मौजूद होते हैं तो इवेंट्स फिर अपने दोस्तों से वो उनके साथ हुए उन अजीबो गरीब इवेंट्स के बारे में और प्रोफेसर वोलन के बारे में बताने लगते हैं और ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग फिर ये सोचने लगते हैं कि शायद इवान पोनरेफ का दिमागी संतुलन अब बिगड़ गया है जिसकी वजह से वो लोग फिर उन्हें डॉक्टर स्ट्राविंसकी नाम के एक साइकेट्रिस्ट के मेंटल असाइलम में या क्लिनिक में भेज देते हैं या उन्हें वहाँ पर एडमिट कर देते हैं अब इसके बाद फिर अगले दिन क्या होता है कि मॉस्को शहर के एक अपार्टमेंट में सायोपर लिखोडिव नाम के एक व्यक्ति जो कि वैरायटी थिएटर नाम के एक थिएटर के डायरेक्टर होते हैं तो वो जब अगली सुबह अपने बिस्तर में जागते हैं तो एक तो उनके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है और दूसरा ये कि उनके बेडरूम में एक अनजान सा व्यक्ति कहीं से घुस आया होता है जो कि अपने आप को प्रोफेसर वोलेंड के नाम से इंट्रोड्यूस करता है तो देखिए प्रोफेसर वोलेंड असल में वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने मिखेल बर्लियोस के मृत्यु के बारे में उन्होंने भविष्यवाणियां की थी या प्रडिक्शंस किए थे और अब इस थिएटर डायरेक्टर स्टायोपा के भी घर में घुसकर वो उनसे ये कहते हैं कि पिछले दिन स्टायोपा ने ही खुद उन्हें इस बात की परमिशन दी थी कि प्रोफेसर वोलेंड अपने बाकी और अन्य दूसरे साथियों के साथ मिलकर वो वैरायटी थिएटर में सात शोज जो कि ब्लैक मैजिक के ऊपर होंगे तो वो वैसे सेवन शोज को परफॉर्म कर सकते हैं जिसके लिए सायोपा ने प्रोफेसर वोलैंड के साथ इस चीज पर एग्रीमेंट भी साइन किया था और इतना ही नहीं प्रोफेसर वोलैंड फिर सायोपा को वो उन्हें अपने बाकी के मेंबर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जैसे कि कोरोवे अजेजेलो और बेहमुत नाम का एक बड़े से काला रंग का बिल्ला जो कि अपने दो पैरों पर पे चल सकता है और वो हम इंसानों की तरह बात कर सकता है तो अब ये सब अजीबो गरीब जादुई चीज़ें देख कर डायरेक्टर स्टायोपा को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और आखिर कब उन्होंने प्रोफेसर वोलेंड के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन किया था बट तभी फिर प्रोफेसर वोलेंड स्टायोपा से ये कहते हैं कि वो और उनके बाकी के कम्पेनियंस या उनके बाकी के साथी उनके अपार्टमेंट पर टेक ओवर करना चाहते हैं और इतना कहकर वो सायोपा को अपने जादू से वो हजारों मील दूर यालसा नाम के एक दूसरे शहर में भेज देते हैं जो कि सर्दन यूक्रेन में मौजूद होता है तो अब देखिए प्रोफेसर वोलैंड जो है ना तो ये असल में कोई प्रोफेसर नहीं होते हैं बल्कि ये तो खुद स्वयं डेविल या शैतान होते हैं जो कि अपना भेस बदल कर वो प्रोफ़ेसर वोलेंड के नाम से हर जगह घूम रहे होते हैं सब एक बार ये प्रोफेसर वोलैंड जब सायोपा को अपने जादू से याल्ता सिटी भेज देते हैं तो उससे क्या होता है कि वरायटी थिएटर में मौजूद बाकी सभी लोग जैसे कि ग्रिगोरी रिम्स जो कि वरायटी थिएटर के फाइनेंशियल डायरेक्टर होते हैं फिर इवान वनरूखा जो कि वैरायटी थिएटर के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो ये दोनों लोग आपस में मिलकर वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर उनके साथी यानी सायोपर लिक्विडिव अभी तक अपने काम पर आए क्यों नहीं और ये प्रोफेसर वोलन कौन है जो कि वैरायटी थिएटर में परफॉर्म करने वाले हैं तो जब ये लोग आपस में बैठकर इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर अचानक से ग्रिगोरी रिमस्की और इवान वनरूखा इन दोनों के पास स्टायोपा लिकोडिफ के बहुत से टेलीग्राम्स आने लगते हैं जिनमें किस चायों पर लिखोजिव उन दोनों व्यक्तियों के लिए ये लिखते हैं या वो उन दोनों व्यक्तियों को अपने टेलीग्राम से ये इन्फॉर्म करते हैं कि अभी वो वैरायटी थिएटर से फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा दूर हैं इसीलिए आज वो अपने काम पर नहीं आ सके तो ये सब पढ़कर ग्रिगोरी रिम्स की फिर इवान वनरूखा को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो इन टेलीग्राम्स को जाकर वो उन्हें हायर अथॉरिटीज़ को जाकर सबमिट कर दे और जब इवान वनरूखा ऐसा करने के लिए जा रहे होते हैं तो तभी उन्हें प्रोफेसर लैंड की एक कंपेनियन अज़ेज़ेलो की तरफ से एक फोन आता है कि तुम ऐसा मत करो बट जब इवान वनरूखा रुखा अजिलो की इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो उसके बाद पहले तो अजिलो और बेहमोत यानी वो काले रंग का जो बड़ा बिल्ला था बोलने वाला बिल्ला तो वो दोनों मिलकर वो वनरूखा को खूब मारते पीटते हैं और उसकी पिटाई करते हैं और उसके बाद फिर प्रोफेसर वोलैंड के कहने पर हेला नाम की एक चुड़ैल आकर वो वनरूखा को किस करके वो उसे एक वेम्पायर में तब्दील कर देती है बदल देती है जिसके बाद फिर उसी शाम प्रोफेसर वोलेंड और उनकी पूरी टीम मिलकर वो वैरायटी थिएटर में ब्लैक मैजिक का एक शो परफॉर्म करती है जिसे देखकर फिर मॉस्को के सभी आम जनता वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस शो में वो लोग लो सर को दर से अलग करने के बाद वो लोग उसे फिर से जोड़ देते हैं इसके अलावा वो लोग थिएटर के ऊपर से पैसों की बारिश करवा देते हैं और प्लस वो लोग लो मॉस्को के शहर के आम औरतों के कपड़ों को वो उसे बिल्कुल फैशनेबल और एक्सपेंसिव कपड़ों में बदल देते हैं है। तो फाइनली इस फर्स्ट बुक के लास्ट में क्या होता है कि डॉक्टर श्रेवस्की के क्लिनिक में यानी जहां पर इवान पोनरेफ को पागल समझकर एडमिट कर दिया गया था तो वहां पर इवान पोनरेफ की मुलाकात द मैस्टर नाम के एक रिप्रेस नॉवलिस्ट से होती है तो जब उस मेंटल असाइलम में या उस क्लिनिक में इवान पनरेफ की मुलाकात द मास्टर नाम के उस रिप्रेस नावलिस से होती है तो इवान फिर उन्हें अपनी स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उनकी मुलाकात प्रोफेसर वुलन नाम के एक अजीबोगरीब जादुई प्रोफेसर से हुई और कैसे जब वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताते हैं तो सभी लोग फिर उन्हें पागल समझने लगते हैं और वो लोग फिर उसे इधर ला एडमिट कर गए तो वो मास्टर नाम के व्यक्ति इवान पनरेफ के बातों पर विश्वास करते हैं और वो फिर उसे अपनी स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे कुछ ही समय पहले वो अपनी वाइफ मार्गरीटा के साथ मिलकर वो हंसी खुशी रह रहे थे और इसके अलावा वो एक नावल जिसका नाम उन्होंने पॉन्शियस पायलट रखा था और जिसमें कि वो लॉर्ड जीजस के ऊपर एक स्टोरी लिख रहे थे तो मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स को वो स्टोरी लाइन कुछ पसंद नहीं आता है और वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से मास्टर को फिर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर उन्होंने अपने नावल के मेनूस्क्रिप्ट को जला दिया वो फिर अपने अपार्टमेंट और अपने सोसाइटी को भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो यहाँ इस मेंटल असाइलम में आ गए तो अब उसी रात यानी जब मास्टर इवान्स को अपने स्टोरी के बारे में अपने नावल के मैनूस्क्रिप्ट के बारे में बता रहे होते हैं तो उसी रात मास्टर के इस पूरे स्टोरी को सुनने के बाद इवेंट्स जब बाद में सो जाते हैं तो वो अपने सपने में वो फिर ये देखने लगते हैं कि कैसे जब लॉर्ड जीजस को वुडन क्रॉस पर या लकड़ी के तख्ते पर बांध दिया गया था तो उस दौरान लॉर्ड जीजस के एक फॉलोअर जिसका नाम मैथ्यू लेवाई था तो वो उन्हें दूर से देख रहे थे या उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे The cat sat on the और जब लॉर्ड जीसस को मार दिया गया तो उसके बाद एक जोरदार तूफान चलने लगी और उसी तूफान का फायदा उठाकर जीसस का वो फॉलोअर यानी मैथ्यू लवाई उनके शरीर से उन रस्सियों को काट करके वो उनके बॉडी को लेकर कहीं भाग जाता है तो ये स्टोरी यानी ये जो पूरी स्टोरी थी ये इवेंस पॉनरेप अपने सपने में देखता है तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नॉवल के फर्स्ट पार्ट को या इसके फर्स्ट बुक को और अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर जिसमें कि राइटर हमें मास्टर और मार्गरेटा का सच्चा प्यार या उनका ट्रू लव दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस सेकेंड पार्ट में राइटर हमें मार्गरेटा के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि उस रिप्रेस नावलिस्ट यानी मास्टर की सीक्रेट वाइफ होती हैं तो मार्गरेटा अभी भी वो मास्टर से बेहद प्यार करती है और वो उनके नावल्स के जले हुए उन पन्नों को पढ़कर वो उन्हें याद करती है और फिर इस स्टोरी के, तो के तीसरे दिन हमें ये देखने को मिलता है कि मार्गरीटा उस मिखेल बर्लियोस के फ्यूनरल को अटेंड कर रही होती हैं जिनका की डेथ हमें इस स्टोरी के स्टार्टिंग में ही एक ट्रैम बस के नीचे फिसल कर गिर जाने की वजह से देखने को, तो देखने को मिला था तो, के तो उन्हीं के फ्यूनरल प्रोसेशन को अटेंड करने के लिए मार्गरीटा वहाँ पर गई होती हैं बट जब मार्गेटा वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मिखेल बर्लियोस के उस आधे कटे सर को किसी ने चुरा लिया है जो कि बहुत ही अजीब बात है जिसके बाद फिर प्रोफेसर वोलेंड का एक कंपेनियन यानी अजेजिलो वहाँ पर आकर वो मार्ग्रेटा को ये इन्फॉर्म करता है कि प्रोफ़ेसर वोलेंड उससे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनके पास मार्गिटा के लिए कुछ काम है और इतना ही नहीं अजेजिलो मारगेटा से ये भी कहता है कि प्रोफ़ेसर वोलेंड उसकी मदद इसके लवर द मास्टर को ढूंढने में भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि मास्टर कहाँ हैं और कैसे हैं और इन सब के अलावा अजेजिलो मारगरीटा को एक स्पेशल टाइप का क्रीम भी देता है जिसको लगाने के बाद मार्ग्रिटा और उसकी मेड सर्वेंट नताशा वो दोनों फिर विच में या चुड़ैल में तब्दील हो जाती हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं तो अब उस चुड़ैल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद मार्ग्रिटा के पास फिर उड़ने की और कई और तरह की जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं और जब मार्गिटा फिर हवा में उड़ते हुए वो प्रोफेसर वोलेंट से मिलने के लिए जा रही होती है तो तभी रास्ते में उसे मॉस्को के कुछ प्रोमिनंट क्रिटिक्स और राइटर्स का एक रेसिडेंस दिख है और फिर गुस्से में आकर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है या तबाह कर देती है क्योंकि उन क्रिटिक्स की वजह से मास्टर अपने घर को छोड़कर चले गए थे और वो मार्ग्रेटा से दूर हो गए थे तो इसीलिए मार्ग्रेटा उस रेसिडेंस को देखकर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है अब इसके बाद फिर स्टोरी में आगे क्या होता है कि मार्ग्रेटा का प्रोफेसर वोलैंड से मिलने पर प्रोफेसर वोलैंड उसे एक होस्टेस का टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं जिसमें कि उसे एक स्प्रिंग बॉल पार्टी में उसे उन सभी तरह के इविल गेस्ट को या उन इविल आत्माओं को रिसीव करना था जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में पाप कर्म या बुरे सिन कमिट किए होते हैं तो मार्गरेटा प्रोफेसर वोलन के कहे अनुसार वो उन सभी तरह के ईवल गेस्ट को रिसीव करती है और फाइनली फिर इस बॉल पार्टी के क्लाइमैक्स में क्या होता है कि प्रोफेसर उस मर चुके मिखेल बलरियोस के सर को जो कि चोरी हो गया था तो उसके सर को प्रोफेसर उसे एक कप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जिसके बाद फिर वो दोनों यानी प्रोफेसर वोलैंड और मार्गरीटा वो दोनों उस ट्रांसफॉर्म किए हुए सर को जो कि अब कप में बदल चुका था तो उसमें वो लोग ब्लड को ड्रिंक करते हैं या उसमें वो लोग खून पीते हैं तो अब इस पार्टी के ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर वोलेंट मार्गिटा के सर्विस से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो फिर मार्ग्रीटा को एक विश मांगने के लिए या एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो मार्ग्रीटा फिर क्या करती है कि वो फिर अपने लिए कुछ ना मांगे वो हेल में टॉर्चर हो रहे एक आत्मा के लिए या उसकी आज़ादी के लिए विश मांगती है जिससे कि मार्ग्रीटा की मुलाकात उस बॉल पार्टी के दौरान हुई थी तो अब मार्ग्रिटा के इस निस्वार्थ भाव या उसके सेल्फलेसनेस को देख कर प्रोफेसर वोलन उसे एक दूसरा वरदान देते हैं जिसमें कि अब की बार वो उसे ये कहते हैं कि वो इस बार अपने लिए कुछ मांगे तो अब ये सुनकर मार्ग्रेटा फिर क्या करती है कि वो प्रोफेसर वोलेंट से ये कहती है कि उसे तुरंत अपने लवर द मैस्टर को इमिडियटली वहाँ पर देखना है जिसके बाद फिर प्रोफेसर वोलेंट एक सेकंड में वो मास्टर को वहाँ पर अपने जादू से पेश कर देते हैं और मार्गरीटा के वो लवर या हस्बैंड यानी मास्टर जब अपने आप को और मार्गरीटा को वहाँ पर एक साथ देखते हैं तो कुछ सेकंड के लिए तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर वो वहाँ पर कब और कैसे पहुँचे बट फिर वो मार्गरीटा से मिलने की खुशी में वो ये सब कुछ भूल जाते हैं जिसके बाद फिर प्रोफेसर वोलेंड वो मास्टर के द्वारा लिखे गए उस नावल पॉन्शियस पायलट के ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं और हालांकि मास्टर ने उस नावल के ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स को या मेनूस्क्रिप्ट को जला दिया होता है बट फिर भी वो जो बड़ा सा काला बिल्ला होता है जिसका नाम बही मौत होता है तो वो अपने मैजिक से वो उन जले हुए मेनूस्क्रिप्ट को वापस ले आता है और वो उन्हें प्रोफेसर वोलेंड को दे देता है और प्रोफेसर वोलेंड फिर उन मेनूस्क्रिप्ट को लेकर ये कहते हैं दैट मेनूस्क्रिप्ट डोंट बर्न जिसके बाद फिर मास्टर और मार्गेटा वो दोनों फिर वहाँ से सभी लोगों को अलविदा कहकर वो वापस से अपने नॉर्मल इंसानी रूप में वो अपने घर अपने पुराने अपार्टमेंट में लौट जाते हैं और वहाँ पर पहुँच कर फिर अपने हस्बैंड के द्वारा लिखे गए उस नावल के रिमेनिंग पोर्शन को वो आराम से अकेले में बैठ पढ़ने लगती है तो अब उस नावल के लेटर ऑन सेक्शन में जिसे कि मार्गरीटा पढ़ रही होती है तो उस नावल के लेटर ऑन सेक्शन में हमें ये देखने को मिलता है कि लॉर्ड जीसस की डेथ के बाद रोमन गवर्नर पॉन्शस पायलेट इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें जूडस की झूठी गवाही की वजह से उन्हें लॉर्ड जीजस को एग्जीक्यूट करवाना पड़ा या उन्हें क्रूसीफाई करवाना पड़ा और इसीलिए फिर गुस्से में आकर वो अपने आदमियों से कहकर वो जूडस को सीक्रेटली मरवा देते हैं जिसके बाद फिर जीजस का जो वो डिसाइपल है यानी मैथ्यू लवाई जिसने कि जीसस के बॉडी को उनके मरने के बाद छुपा दिया था तो वो भी फिर पायलट के पास आकर वो जूडस को अपने हाथों से मारने के लिए वो पायलट से रिक्वेस्ट करने लगता है बट जब उसे ये पता चलता है कि पॉन्शियस पायलट ने पहले ही जूडस को सीक्रेटली मरवा दिया है तो वो फिर गुस्से में वहां से जाने लगता है बट जाते जाते वो मैथ्यू लवाई पॉन्शियस पायलट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ पार्शम दे दिया जाए ताकि वो उसमें वो जीजस की स्टोरी को और उनके टीचिंग्स को अच्छे से लिख सके या उसमें नोट डाउन कर सके तो इस तरीके से मार्गरेटा अपने हस्बैंड के द्वारा लिखे गए उन मेनिस्ट्रिप्ट को पढ़कर वो उन्हें खत्म कर देती है बट अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस नावल के लास्ट में क्या होता है तो देखिए इस नावल के लास्ट में हमें तीन मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें से इसके सबसे पहले मेन इवेंट में तो ये होता है कि पूरे मॉस्को शहर में ये अफवाह फैल जाती है कि प्रोफेसर वोलैंड और उनके बाकी सभी लोग जो उनके साथी थे तो वो सभी लोग कोई हिपनोटिस गैंग से बिलोंग करते थे जो कि लोगों को वश में करना जानते थे जिसके बाद फिर पुलिस का उस बड़े से काले रंग के बिल्ले यानी बोहिमौत के साथ फाइट होता है गन फाइट और जिसमें कि किसी को भी वैसे चोट नहीं लगती है बट उस फाइट के बाद प्रोफेसर वोलेंड और उनके सभी जो साथी लोग थे वो उस अपार्टमेंट को छोड़कर चले जाते हैं और जाते जाते वो उस अपार्टमेंट को भी आग लगा कर जाते हैं फिर स्टोरी के सेकेंड लास्ट इवेंट में ये होता है कि अब इस पॉइंट पर आकर अब दोनों समय के लोग यानी पास और प्रेजेंट दोनों टाइम पीरियड के कैरेक्टर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं जिसके बाद फिर हमें ये देखने को मिलता है कि मैथ्यू लेवाए जो कि 2000 साल पहले जीसस के डिसाइपल थे तो उनकी आत्मा अब प्रेजेंट नाइनटीन के मॉस्को में आकर वो प्रोफेसर वोलन को ये मैसेज देती है कि जीसस ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि वो मास्टर को मुक्त कर दे या उसे शांति प्रदान करे तो प्रोफेसर वोलेंड फिर क्या करते हैं कि वो अजेलो को कहकर वो पहले तो मास्टर और मार्गरीटा को एक जहरीला शराब पिलाकर वो उनके इंसानी शरीर को नष्ट कर देते हैं या उसे मार देते हैं और जैसे ही उनका इंसानी शरीर नष्ट हो जाता है तो वो उनकी आत्मा को एक साथ अमर रहने का आशीर्वाद देते हैं या ब्लेसिंग देते हैं जिसके बाद फिर उन दोनों की आत्मा अजिलो के साथ मिलकर वो तीनों अलग अलग तीन अलग अलग काले रंग के घोड़ों पर बैठकर वो आकाश की तरफ एकदम ऊंचाई पर जाने लगती है और आकाश के काफी ऊंचाई तक जाने पर उन्हें पहले तो प्रोफेसर वोलेंड और बोहिमोत दिखाई देते हैं जो कि अब अपने रियल फॉर्म में थे यानी स्पिरिट फॉर्म में थे और उसके बाद फिर आकाश के और ऊंचाई में जाने पर उन्हें फिर पॉन्शियस पाइलेट, जो रोमन एम्पर थे तो उन्हें वो और उनका डॉग बांगा की आत्मा दिखाई देती है जो की दो साल से वहां पर बैठ इंतजार कर रहे थे तो प्रोफेसर वोलन के फिर कहने पर मास्टर अपने नावल के हीरो यानी पॉन्श पायलट को आज़ाद कर देते हैं अपने फाइनल एक्ट को लिखकर जिसके बाद फिर पॉन्श पायलट हमेशा हमेशा के लिए वो फ्री हो जाते हैं और वो फिर चांद की तरफ जहां पर लॉर्ड जीसस रहते हैं तो वो उस तरफ अपने डॉग बांगा के साथ चले जाते हैं जिसके बाद फिर मास्टर को भी शांति मिल जाती है उन्हें पीस मिल जाता है जिसके बाद फिर उसी स्पेस में एक किसी छोटे से जादुई घर में वो मार्गरीटा के साथ या उसके

और रही बात उस राइटर इवान पोनरफ की जो कि मेंटल असाइलम में मास्टर का दोस्त बन गया होता है तो उसे उसके सपनों में मास्टर और मार्ग्रिटा वो दोनों उसे विजिट करते हैं और वो उसे इस बात की तसल्ली देते हैं कि चीज़ें वैसे ही अंत में ख़त्म होती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए तो इस तरह से फाइनली ये नावल ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ लाइक करे, करें शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग